नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक सीजी के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड। अगर इस बैंक की बात करें तो यह बैंक लगातार गिरता चला जा रहा है। हालांकि आरबीआई काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस बैंक को बचाने के लिए, बैंक को रोकने के लिए, तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनका एक और बैंक फेल हो। यानी कि यह कंपनी जितना ज्यादा डीप में जाता है, अगर इस कंपनी को आप बाई करते हैं और यह कंपनी कल को सुधर कर ऊपर निकलता है तो काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको बनाकर दे जाएगा। तो क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, कंपनी का लोएस्ट कहां पर बन सकता है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं क्या डिटेल बनता है इस कंपनी का। दोस्तों, सारा का सारा मार्केट बुलिश जा रहा है, लेकिन ये शेयर लगातार गिरता चला जा रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों ने अपनी होल्डिंग बेचकर इससे बाहर निकलना सही समझा है। क्या ये स्ट्रेटजी सही है इस कंपनी के लिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह कंपनी खत्म हो जाएगा या फिर यह बैंक बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए। तो ऐसे में अगर इस कंपनी में आप डीप ऑन बाई करते हैं और यह कंपनी कल को अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके सुधार लाता है तो काफी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो इस कंपनी का अभी तक का जो लोएस्ट प्राइस था वो 107 रुपए के पास में था। आप देखेंगे ये लेवल, कंपनी उसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे यह कंपनी 22 मई यानी कि जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस टाइम इस कंपनी ने बनाया था। तो हो सकता है कि इस बार भी यह कंपनी सेम लेवल पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर जाए। कि इस कंपनी को रिटर्न होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही इस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं या फिर बाई कर रहे हैं, उनका पर्पस मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या कहता है। तो अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो इसमें हमने मंथली चार्ट लगा रखा है। अगर मंथली चार्ट पे इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो आपको सपोर्ट लेवल सेम देखने को मिल जाएगा, यानी 107 रुपए के पास में। अगर यह कंपनी उस लेवल के पास जाकर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश करता है या फिर उस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करता है तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होगी। अदरवाइज यह कंपनी उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें 85 से 90 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो जो लोग बाई कर रहे हैं उनका पर्पज मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में कुछ खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटर नहीं होता है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखे रहे। जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में इंक्लूड होता है तो फिर इस कंपनी में एक जल्दी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।